सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए। जिनके हाथ में देश को बनाना, देश को विकसित करने की ताकत है, और जिन्होंने पिछले 5 या कई सालों से रेल को अपने कंधे पर लेकर उसको सही रखने की कोशिश की है, ऐसे हमारे हर राज्य से आए हुए भारत के युवा रेल के अप्रेंटिस साथियों, आप सबको जय भीम, जिंदाबाद, लाल सलाम। साथियों, मुझे आज भी याद है 2014 का चुनाव। 2014 में आज जो देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि भारत के हर युवा को 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इसका मतलब 5 साल में 10 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। पर आज अब आ रहे हैं, भारत के 10 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात जिन नरेंद्र मोदी ने की थी, सत्ता में आने के बाद और 4.5 साल पूरे होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने 4.5 साल में 2 लाख युवाओं को भी नौकरी दी नहीं है। इसलिए देश में ये कहा था कि हम लोग 56 इंच के छाती वाले हैं, भाइयों और बहनों, नौकरी देने के लिए 56 इंच की छाती की जरूरत नहीं होती है, दिल और दिमाग की जरूरत होती है। और इसलिए करने दीजिए कोई बात। और इसलिए आज आप लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, साथियों, ये जान लीजिए 2014 में अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोलता था तो लोग सोशल मीडिया पर आपको काली पोतने में कम नहीं करते थे। पर आज हम जान गए हैं कि भारत में हमने जिसको चुन के दिया है वो नरेंद्र मोदी फेको है और देश के युवाओं को करता है। और इसलिए हम ये जानते हैं कि ये जो सत्ता में बैठे हुए बीजेपी के नेता है, ये अंबानी, अदानी और अदानी के दलाल है, करने वाले हैं। हम ये जानते हैं, ये युवाओं को वायदे करते हैं, किसानों को वायदे करते हैं, इस देश के महिलाओं को, गरीबों को, असंगठित मजदूरों के साथ वायदे करते हैं, रेलवे के अप्रेंटिसों के बच्चों को वायदे करते हैं और कंपनियों को फायदे करते हैं, ऐसी ये सरकार है, ये हम लोग जानते हैं। और इसलिए हम यहाँ पर कोई भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम हमारा अधिकार मांगने के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी, ये जान लीजिए 1977 में इंदिरा गांधी ने इस देश में हुकूमशाही की तरह आनीबानी लाई थी। उस वक्त गुजरात के एक कॉलेज से जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की गूंज दी थी और तब इंदिरा गांधी की सरकार पत्ते की तरह गिर गई थी। इन बच्चों को ज्यादा सताइए मत। 2019 में आपकी सरकार भी पत्ते की तरह गिर जाएगी, जो हमें धोखा देगा हम भी 2019 का मौका लेंगे और तुमको दिखा देंगे ये बताने के लिए यहाँ पर आए। इसलिए साथियों, समझ लीजिए, सरकार सबके साथ धोखाधड़ी कर रही है, किसान के साथ धोखाधड़ी कर रही है, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है। रेल में ये रेल के
और 2-2 करोड़ बच्चों के वो आंची लेते हैं, उसके पैसे इकट्ठा करते हैं, और आप जो श्रम करने वाले बच्चे हैं उनकी मुंह पर पान पोंछने का काम कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। इसलिए आज हम लोग ये सरकार को बता रहे हैं कि हम लोग संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, लोकशाही को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस पर विश्वास करने वाले युवा है, और इसलिए अगर आप लोग सत्ता में बैठकर 14 लाख करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों को दे सकते हो, मल्या को 9,000 करोड़ रुपए देकर इंग्लैंड भगा सकते हो, नीरव मोदी को भगा सकते हो, हमारे पैसे चोरों के आप देकर खुद चोरों के हुकुमशाह बनते हो, हम नहीं सहेंगे, ये बात कहने के लिए यहाँ पर हम युवा है। इसलिए भाइयों, पीयूष गोयल हो, आपके मंत्री पीयूष गोयल है ना, पीयूष गोयल हो या कोई मोयल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये बताना है सरकार को कि जिस तरह से पहली नीतियाँ थी, आप ये भी समझ लीजिए ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार युवाओं की नहीं है। इसमें अभी तो सिर्फ 1 महीना बाकी है, मार्च में 6 मार्च को इस देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जाएगा, ऐलान हो जाएगा। हम लोगों ने अभी, मैं जिस मीटिंग से इसलिए मुझे लेट हुआ, अभी भारत के करीब करीब 25 राज्यों के बड़े बड़े संगठनों के नेता वहां पर आए, कल मैंने सबको बुलाया आपके इस रैली में, तो मैंने जिग्नेश मेवानी को भी कहा है कि हमें इस रैली में शाम तक पहुंचना है, तो सबको आप लेके आएंगे, और ये 25 राज्य के लोग वहां पर बैठे, उन्होंने ये तैयार बोला है कि 15 साल पहले मतलब 2014 में कांग्रेस की सरकार को हमने इसलिए भगाया था क्योंकि नरेंद्र मोदी ने विकास के सपने हमें दिखाए थे, हमें ये नहीं बताया था कि राम मंदिर कहाँ होगा, जहाँ होगा वहाँ होगा, अयोध्या में भी होगा, हमारे घर में होगा, क्योंकि राम हमारे दिल में है, क्योंकि मंदिर में है, और आज राम के नाम पर हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है, आज धर्म के नाम पर हमारे युवाओं को बोला जा रहा है नौकरी मत लीजिए, हमारा भगवा लीजिए, हमारा हरा लीजिए। इसलिए हम इन दोनों को, नरेंद्र मोदी और ओवैसी दोनों को बताना चाहते हैं, भारत का युवा समझ गया है हमारा भविष्य हमारे नौकरियों में है, हमारे काम में है, हमारे विकास में है, इस तरह धर्म से बांटने से नहीं है, और इसलिए हम ये बताने रहे हैं। इन 25 राज्यों के नेता जो आए हैं वो आपके साथ शाम तक आएंगे, भाई और बहनों आपको विश्वास देंगे और आपको ये भी सरकार को बताएंगे, और जब भी देश के प्रोग्रेसिव संगठनों का मैनोफेस्टो लिखा जाएगा उसमें आपका मुद्दा सबसे प्राथमिक रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये नरेंद्र मोदी कितनी झूठी चीजें करता है, आपने देख लिया पश्चिम बंगाल में एक पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट करने के लिए भेज दिया क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि मेरी कुर्सी अब दामादोल हो रही है, इसलिए सब जगह जिस तरह से कर रहा है। हमारे भरत भाई पर बम्बई में जिस तरह से केसेस डाली हुई है, अरे क्या करने गया था भरत, जिस रेलवे में सर्विस करता है, जिस रेलवे में अपना योगदान देता है, उसको रोक के प्रश्न और सवाल नहीं पूछेगा तो और किसको पूछेगा, कोशिश की तो उसके ऊपर 353 करवा देते हैं। इसलिए भाई यो आप ये जान लीजिए, हमें अगर नौकरी नहीं है, अगर सरकार नौकरी की बंदी करती है तो हम वोट की बंदी करेंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। इसलिए आप यहाँ जितने भी लोग आए हैं, आप सब युवाओं के नेता हैं, आप सब इन रेलवे में काम करने वाले श्रमिक, रेलवे अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो इस देश की पूरी वाहतूक यंत्रणा खत्म हो जाए, ऐसे काम करने वाले आप युवा है, और इसलिए आप गांव-गांव में
कि 2014 से लेकर आज तक 5 साल में अगर हमें एक भी नौकरी नहीं मिलती, हमें एक को भी परमानेंट नहीं किया जाता, अगर हमारे अंदर धोखाधड़ी की जाती है तो सत्ता में बैठने वाली सरकार को अगले 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले से भाषण करने नहीं देंगे। और इसी ताकत से आप इकट्ठा रहिए, मजबूत रहिए, हम आपके साथ हैं। मैं जिग्नेश को भी बुला के लाऊंगी और पूरे 25 संगठन के, पूरे 25 राज्यों के जो नेता है उनकी मीटिंग 5 बजे तक खत्म होगी, तो मैं उनको जरा जल्दी बोलूंगी, पर 5 बजे तक अगर आप 5 बजे तक रहेंगे ना, तो 5 बजे मैं उन सबको लेके आऊंगी। ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी लड़ाई इतनी आसान नहीं है, आपकी लड़ाई पत्थर दिल सरकार से, आपकी लड़ाई सांपनाथ और नागनाथ से है, ये बात ध्यान में। इसलिए इस सरकार को एक ही बात समझ में आती है, इस सरकार को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने बताया कि हमारे साथ धोखाधड़ी तो तुम्हारी खुर्ची हम लोग खत्म करेंगे, तभी जाकर ये डरे हुए। किसानों ने बताया जब कि किसानों ने लड़ाई लड़ी, मंदसौर में 5 बच्चे उन्होंने गोलीबारी से मार दिए किसान के, युवा बच्चे, किसान के बच्चे क्या मांग रहे थे, किसान के बच्चे अपना हक मांग रहे थे, सर्दी का छीना फाड़ कर जो अनाज उगाते हैं उस अनाज का सही दाम मांग रहे थे, उन बच्चों को इस सरकार ने, ये खूनी सरकार ने इन बच्चों को गोली मारकर मार दिया है। इसलिए हमें संगठित रहना है, सबको इकट्ठा आना है, इस देश के सभी युवाओं को साथ में आना है और इस सरकार की धोखाधड़ी को उजागर करना है और नरेंद्र मोदी को बताना है, नरेंद्र मोदी जी विमान में बैठकर हवाई जहाज में जाकर अगर आप दुनिया के किसी भी देश में जाओ और खुद को अपना भगवान बताओ, पर हमारे भारत में आपको हम सही जगह दिखाएंगे, क्योंकि आपने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, हमारे ऊपर कर्जा किया है, भारत के युवाओं के साथ गद्दारी की है। अंबानी, अडानी, अदानी जो रिलायंस कहती है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुट्ठी में मतलब किसके मुट्ठी में, ये रिलायंस के मुट्ठी में दुनिया करने की बात जो करती है, उसके साथ आप राफेल के लिए करार देते हो और हमारे देश के पूरे संरक्षण को भी धोखा निर्माण करते हैं। ऐसे धोखा करने वाली ऐसी गद्दार सरकार इन युवाओं के साथ भी गद्दारी करेगी, बच्चों ने इतना श्रम किया रेल में, उनको अगर परमानेंट नौकरी नहीं देगी तो हम नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार को इस आने वाले चुनाव में घर बैठने ही वाले हैं, ये बताना चाहती हूँ। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग ताकत से कहते हैं, इस देश का युवा, इस देश की महिला, इस देश का आदिवासी, इस देश का किसान, इस देश का असंगठित मजदूर, हम सब एक है और जब तक हमारी सबकी लड़ाई एक है और जब तक हर लड़ाई को न्याय नहीं मिलता, युवाओं को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम शांत नहीं बैठते, यही बात कहती हूँ और सबको जिंदाबाद करती हूँ। जरा जोर से नारा दीजिए, आपके अंदर जितनी ताकत होगी, लड़ेंगे जीतेंगे का नारा मैं बोलूंगी, लड़ेंगे आप बोलेंगे जीतेंगे, मैं बोलूंगी बिन हवा न पत्ता हिलता है, आप बोलेंगे बिन लड़े न हिस्सा मिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। मेरा जितना आवाज है उतने जोर से आपको बोलना है, लड़ेंगे, सबके हाथ ऊंचे होने चाहिए, आपके नहीं हो रहे, आपको लड़ना नहीं है, लड़ेंगे, बिन हवा न पत्ता हिलता है, आप कहेंगे बिन लड़े न हिस्सा मिलता है, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। तो इसलिए आप अपने आप को अकेले मत समझिए, आपने जिस ताकत से आपके सब साथी नेतागण बिहार से बनाया, हम लोग ये हर बार कहते हैं जेल से डरते नहीं, मैं 378 दिन जेल खाकर आई हूँ, इसलिए किसी भी जेल को हम डरते नहीं हैं। इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं, सरकार तेरी जेल है कितनी लंबी चौड़ी देख लिया है, देखेंगे, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। हम जानते हैं एक खाकी वर्दी वाले पुलिस, हम लोग इसके लिए भी एक नारा देते हैं,
सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, तो सरकार इसीलिए हर बार पुलिस को आगे करती रहती है। तो आप लोग ये बात भी समझ लीजिए कि हम ये सरकार का चरित्र समझते हैं, ये एसी में बैठते हैं, और इसलिए ये एक नारा जरा जोरदार लगाइए, सरकार हमसे डरती है, आप बोलेंगे पुलिस को आगे करती है, देखते हैं आपके अंदर कितना जोर। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, इन हवाल पत्ता हिलता है, इधर हिस्सा मिलता है, इन हवाल पत्ता हिलता है, इधर हिस्सा मिलता है, लड़ेंगे, जीतेंगे, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ,